2 बजे किसानों की और सरकार की बातें होनी है, उससे पहले ही किसान अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि आज कहीं ना कहीं जो कृषि अध्यादेश पर जो नतीजा है वो निकलने वाला है। हमारे साथ डंपी पहलवान मौजूद हैं। डंपी जी, 2 बजे मीटिंग होनी है, क्या उम्मीद है कि सरकार से वार्तालाप संतुष्ट रहेगी? देखो, उम्मीद तो पॉजिटिव रखनी चाहिए और हमारा प्रेशर भी पूरा है, मेरे हिसाब से इनको मान जाना चाहिए और नहीं मानेंगे तो फिर हमारे को मनवाना आता है। संविधान में, संविधान के दायरे में रहकर और हम इनके ऊपर इतना दबाव बढ़ा देंगे, इनको मानना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं किसानों का यहाँ समर्थन करता हूँ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं तत्पर खड़ा रहूँगा, ये कहीं ना कहीं बल मिलता है। देखो, मैं तो सभी जितने भी दल हैं सभी से आह्वान करूंगा, आओ और हमारी सपोर्ट करो सभी से। ये पहले भी आए थे, इन्होंने पहले भी अपना समर्थन हमारे को डासा भी दे के गए हैं, हमारे पास 2 बार पहले डासा भी समर्थन दे गए, आज हमारे डिगल टोल पे प्रोग्राम था तो यहाँ भी समर्थन दिया है, इनकी बहुत अच्छी बात है। और भी सभी से आह्वान करता हूँ मैं तो, बीजेपी वाले नेता भी बीजेपी छोड़ के आ जाओ, भाइयों में तो आना पड़ेगा, भाइयों में नहीं आओगे तो कौन घर में घुसने देगा आप लोगों को, हैं। जेजेपी वालों से सबसे मैं एक हरियाणा प्रदेश का महासचिव होने के नाते मैं सबसे आह्वान करता हूँ, सभी पार्टी छोड़ के भाई अपने भाइयों के पास यहाँ दरी पे आ जाओ और यही भाई हैं जो पार्लियामेंट तक बैठा देंगे, यही भाई हैं बिल्कुल नीचे गिरा देंगे। भाइयों में आकर बैठ जाओगे तो आगे भी आपको कोई पूछ लेगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं पाएगा, यहाँ नहीं आएगा उमर क्या। किसान यूनियन के राकेश टिकैत वहाँ पहुँचेंगे तो विज्ञान भवन पर पूरी पैनी नज़र रहेगी आप लोग? हाँ, पैनी नज़र रहेगी। मैं पहले तो मेरी ये बात, यहाँ नहीं आएगा उसका, उसको बहुत भारी समाज से नुकसान होगा, मैं तो यही करना चाहूँ, यहाँ जरूर आ जाओ, सभी से आह्वान करना चाहूँगा, ये सभी का काम है, ये किसी एक संगठन का नहीं, ये सभी पूरी 36 बरादरी का, पूरे किसान संगठन का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का काम है ये, और सभी यहीं आ जाओ, नहीं तो बहुत आप लोगों का बहुत नुकसान होगा इनको, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और आज जहाँ तक है मेरे को उम्मीद है ये काम हो जाएगा, ये तीनों काले कानून रद्द हो जाएं और MSP पर अपना एक्ट बना के दे दो, हमारे को कोई आपत्ति नहीं, हम आज ही शाम को उठ जाएंगे। दीपक, हाई हाई, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये है कि आज ये कानून निरस्त होने चाहिए और नए साल पर किसान अपने घर जाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचे थे, किसानों का समर्थन भी किया है, किसानों को कहीं ना कहीं पूरा जोश मिलता है क्योंकि राज्यसभा में अगर बिल जो पास होता है उस पर अगर राज्यसभा सांसद खड़े मिलते हैं तो जो जोश है, जो एनर्जी है किसानों की, कहीं ना कहीं पीक पे चली जाती है। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर राज्यसभा सांसद नहीं, किसान का बेटा होने के नाते आया हूं और उन्होंने डासा बॉर्डर पर भी हमारा समर्थन किया था और यहां पर भी हमारा समर्थन किया है, किसान के बेटे होने के नाते वो हर एक टोल पर अपना समर्थन दे के जाते हैं। आज जो बातें होनी है, कितनी उम्मीद है, क्या वो पॉइंट जो किसान चाहते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सहमति जारी करे? देखिए, सारी हमारी जो मांगे हैं वो उचित मांगे हैं और ये काला कानून सरकार को आज वापिस लेना चाहिए, हम इस चीज़ का स्वागत करेंगे। कल 2021 में जाएंगे तो क्या लगता है इन काले कानूनों को वापस लेकर किसान अपने घर लौटेंगे और 2021 अपने घर पे मनाएंगे? देखो, सरकार को सोचना चाहिए, ये तो हम तो ये चाहवा कि सरकार किसान ने अपने घर खुशी खुशी ये कानून वापिस ले ले तो चले जावा, ना तो फिर बैठे यहाँ संघर्ष शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहा। सरकार की हट धर्मिता से क्या लगता है कि आज सरकार वो बातें मान लेंगी? देखिए, सरकार ने राजधर्म निभाना चाहिए, उन्होंने लाखों करोड़ों किसान आज सड़क पर बैठे हैं, उन्होंने किसानों की तरफ देखना चाहिए। तस्वीर जी, क्या लगता है कि 2 तारीख का जो आज 2 बजे जो मीटिंग होनी है उसमें रिजल्ट निकलने की उम्मीद है? हम देखो भाई, सरकार ये कह रही है हम खुले मन से बात करेंगे, जैसी वर्डिंग वो मुंह से निकाल रही है जिस हिसाब से हम टीवी में देख, 8 स्तरीय तो मीटिंग हो चुकी है, पहले भी खुले स्तर से थी, अब ऐसा क्या? आपकी बारी ने ये कहा है भाई, एक दिन डगा गए 29 तारीख से, 30 तारीख कर दी, खुले मन से बात करेंगे। किसानों ने भी यही कहा है खुले मन से बात करेंगे, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है खुले मन से बात होगी तो निष्कर्ष निकलेगा, आत्मा साफ होगा, खुले मन से होगा तो निष्कर्ष आज निकलेगा। कृषि अध्यादेशों में अमेंडमेंट चाहते हैं या तीनों बिल वापस हो, क्या लगता है किसानों का हित किस में है? किसानों का हित तो तीनों कानून वापस होने में, क्योंकि नहीं तो GST कैसा कानून है यू,
जीएसटी में 100 अमेंडमेंट करी थी इनने, 100 बदलाव के बाद भी जीएसटी ने व्यापारी को मार दिया। इसमें ये 12-15 बदलने की कहे हैं, ये तो कतिए खत्म है, तो इसको तो पूरा वापिस लेके और नया जैसे स्टैंडिंग कृषि बिल बनाया था ना, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन बनाई थी उस टाइम वहाँ बीजेपी की थी, तो उसी टाइप स्टैंडिंग कमेटी बना दो और उसमें किसान की भी सुनी जाएगी और फिर कानून में ले आओ संसद में, हो जाएगा। अभी फिलहाल तो ये ब्लैक लॉज वापिस लेने पड़ेंगे। SYL का मुद्दा इस समय पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना क्या मानते हैं, उचित है या अनुचित? यह तो एक घटिया राजनीति है भाई साहब, ये तो सवाल नहीं बनता, ये तो बिल्कुल घटिया राजनीति है। अगर बयान आंदोलन खराब हो जाए इसके लिए ना, इसका हक तो SYL का कहीं ना कहीं हरियाणा का हक है, क्या है हक है हरियाणा के पानी का, उसमें दिक्कत कहाँ से? हक तो राजस्थान नहीं मिलेगा, वो तो हरियाणा नहीं मिलेगा, हक तो सबका है, लेकिन इस टाइम पर जब किसान की लड़ाई, जमीन नहीं बचेगी तो पानी किसके देंगे? रोड़ा तो जमीन का ना, पहले जमीन बचाओ फिर पानी देंगे, और घर में इतना चाहिए नहीं तो जमीन बचानी जरूरी है, पानी तो बाद में डलेगा, नाका बाद में फूटा जब जमीन बचेगी, तो पहली लड़ाई जमीन बचानी। लगातार टिकरी बॉर्डर पर आप 31 दिन से वहां पर डटे हुए हैं, किसानों की जो सेवा वो करी जा रही है, क्या आंदोलन और बढ़ेगा तो तस्वीर वहां पर डटी रहेगी? ऐसा भाई साहब, आज इनका या तो क्लियर हो गया है ना, तो 33 दिन हो गए, 33 × 66 33 दिन का फिर शुरू प्रोग्राम धर देंगे। 26 जनवरी की तो हम तो लेके बैठे हैं, अगर भाई उड़ा झंडा फहराओगे हम भी उड़ जाएंगे इंडिया गेट पे, तो हम तो 26 की तैयारी करके चल रहे हैं, क्योंकि सरकार पर हमारा विश्वास कम है, क्योंकि सरकार जो बात कहती है उसका उल्टा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी इतनी सफाई से झूठ बोलने लग रहे हैं, अगर ठीक ठाक आदमी सच भी नहीं बोलनी आओ, इतनी झूठ बोल रहे हैं। देव कुमार देवा हमारे साथ हैं, देवा लगातार आप किसानों के बीच जा रहे हैं और उन लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, साथ ही किसानों का जो टीस है, क्योंकि आप भी किसान के बेटे हैं, वो दर्द तो है, क्या क्या उम्मीद करते हैं आज की वार्तालाप से? मैं पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूं और आज मैं मान के चलता हूं कि सरकार को जो ये 33-34 दिन जो किसानों ने 42-43 किसान शहादत दे चुके हैं इस ठिठुरती ठंड में, और इनको देखते हुए सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, जो 5-6 ऐसे लाइनें हैं जिनको जिनका जिनमें बदलाव कर सकती है तो वो बदलाव भी करेगी। दबाव पूर्ण रूप से बढ़ चुका है, अगर कहीं ना कहीं आज भी टाड़ मटोल हुई तो आपने पूछा था दीपक भाई से एक सवाल पूछा था कि नव वर्ष जो है 2021 हम बॉर्डर पर ही मनाएंगे, हमारी 36 बिरादरी के जो किसान भाई हैं सभी बॉर्डर पर मनाएंगे, और अगर जब तक सरकार नहीं मानेगी तो 2022 भी हम बॉर्डर पर मनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी ये मान के चलते हैं कि जहाँ तक मैंने जाना है, कुछ इस कानून के कुछ पहलू पढ़े, संपादकीय पढ़े कुछ पेपरों में, उससे जाना कि ये 1947 से पहले जो जमींदारी प्रथा थी वही प्रथा इन तीनों कानून के माध्यम से हमारे ऊपर 73-74 साल के बाद लागू की जा रही है। सन 1956 में एक कानून बनाया था इस आज़ाद देश की आज़ाद सरकार ने कि जो भंडारण है वो भारत सरकार की चार बड़ी एजेंसियां, जिसमें एफर्ड, FSI, ये इस प्रकार की चार एजेंसी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, वही भंडारण कर सकती है, स्टॉक कर सकती है, लेकिन अगर ये स्टॉक प्राइवेट हाथों में अन्न का चला गया तो ये मान के चलिए कि सबसे पहले कानून में तो सबसे बड़ा झोलमाल यही है कि हमें औने पौने दामों पे हमारी 36 बिरादरी को ये मिलेगा गुलामी। दूसरा जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मामला चल रहा, आज राजस्थान में अफीम की खेती होती है, पंजाब में बहुत सी ऐसी खेती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से की जाती है, और उन किसानों के हालात देखो, बिहार में यही राज्य सरकार की तरफ से यही कानून लागू है जो आज भारत में लागू किए जा रहे हैं, वहाँ का 10 एकड़ का जमींदार यहाँ हमारे खेतों में मजदूरी करने आ रहा है, ये बंधुआ मजदूर बनाने की एक साजिश है, और चंद बिजनेसमैनों को हमारा ये जो 50 लाख करोड़ का सालाना का एक बिजनेस है जो अन्न के उससे मंझले व्यापारियों के साथ मिलके हम करते हैं, किसान करते हैं, उसको छीनने का काम किया जा रहा है, उसको छीनने का काम किया जा रहा है, और ये 50% जो भारत में आज़ादी रह रही है इसको भी गुलाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये हम जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज़ है, उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे चाहे इसमें 2022 आ जाए। गाने के माध्यम से सरकार को क्या संदेश? गाने के माध्यम से तो मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा, ओ किसान एकता की भाइयों, लहर से चली
हाँ किसान एकता की भाइयो लहर से चली, ये काले कानून वापस लो या करो सियासन खाली, ये काले कानून वापस लो या करो सियासन खाली। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शुक्रिया। जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, दीपेंद्र हुड्डा ने उसको मोल्ड कर दिया और कहा कि ये सरकार मरे जवान मरे किसान। दीपेंद्र हुड्डा ने सही कहा, बॉर्डर पर जवान मरने लग रहा है, उसका पिताजी उनके भाई पड्डे बैठे वो यहाँ दिल्ली के टिगरी बॉर्डरों पर सिंधु बॉर्डरों इन बॉर्डरों पर किसान मरने लग रहे हैं। और हुड्डा साहब भी कहे थे यहाँ आए थे धरने को समर्थन देने, नहीं बोले भाई मैं मेरे को कहते थे पत्रकार ने पूछा आप जी से बोले जी फॉर्मर सीएम कह कहें, नहीं बोला भाई मेरे को फॉर्मर सीएम नहीं फार्मर सीएम कह रहा तो हुड्डा साहब का जो नेता है वो फार्मर सीएम है, ठीक है, तो किसान नेता के रूप में है तो उनका तो रोड़ा ही नहीं है, पीछा वो तो परिवार है किसान हारिय समाजी किसान परिवार है। आज जो दीपेंद्र हुड्डा आया है या डॉक्टर अकबर कादियान, हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसे किसान का बेटा किसान परिवार से होने के नाते आया है, यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी जजपा इनेलो या कोई अन्य दल ये उन पार्टियों का नहीं, जो भी पार्टी के नेता चाहे वो जेजेपी से भी हो सकते हैं किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, अगर किसानों के साथ समर्थन देने आते हैं तो हम सब युवा किसान और हमारे बुजुर्ग किसान उनका स्वागत करते हैं। आज हमें जे इसको कल न कोई मीडिया के माध्यम से या कोई और अन्य पार्टी के कुछ सदस्य इसको वो दूसरा रूप देना चाहें, क्योंकि आजकल सरकार ऐसे रूप देने पर लगी हुई है। तो एज ए हमारा भाई किसान का बेटा होने के नाते दीपेंद्र यहाँ किसानों को समर्थन देने आया और कोई राजनीतिक बात नहीं की। देखिए देवा भाई ने भी खुल के बताया और हम यह बात कहना चाहेंगे कि भाई हम किसान का निजीकरण नहीं होने देंगे मोदी जी। डॉक्टर रघुवीर सिंह भी आज समर्थन देने आए थे, केजरीवाल जी ने जो अभी अध्यादेश पाड़ा था ऑर्डिनेंस, वो जब ऑर्डिनेंस पास हुआ ना संसद में उसके बाद पहली विधानसभा जो चंडीगढ़ लगी डॉक्टर रघुवीर कादियान ने भी ये ऑर्डिनेंस पाड़ा था, तो उसका भी सरूस ये समर्थन है, उस चीज़ का बताना चाहते हैं भाई। किसान यूनियन राकेश सिंह टिकैत ने घोषणा की है अगर कृषि अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया तो 26 जनवरी को 1,00,000 ट्रैक्टरों के साथ हम लोग लाल किला पहुँचेंगे। टिकैत साहब को विश्वास नहीं होगा भाई साहब, 1,00,000 नहीं, 1,00,000 ट्रैक्टर तो मैं भरूंगा यहाँ से हरियाणा से, और टिकैत साहब तो बहुत बड़ा काम होगा, वहाँ 1,00,000 ट्रैक्टर होंगे, दिल्ली हरियाणा सब कुछ जाम हो जाएगा, हम हरियाणा से भरने का काम करेंगे 1,00,000 ट्रैक्टर। 20,000 ट्रैक्टरों की तो हमने अभी तक होगी तैयारी, अगर ये नहीं मानते तो 1,00,000 ट्रैक्टर तो ये हरियाणा प्रदेश ले जाएगा, ये बिल्कुल NCR के लगता हुआ प्रदेश है, अभी मैं 2 जिलों में घूमा हूँ, 20,000 ट्रैक्टर तो हमारे हो गए हैं, हम 1,00,000 ट्रैक्टर तो हरियाणा से लेके घुसेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे, तीनों काले कानून निरस्त करने पड़ेंगे और MSP पे एक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो 1,00,000 ट्रैक्टरों के साथ तो हम टिकैत साहब का यहाँ से साथ देंगे, टिकैत साहब कम से कम 5,00,000 ट्रैक्टरों के साथ होंगे, वहाँ पूरी दिल्ली को जाम हो जाएगी, पूरा NCR जाम होगा, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, या तो सरकार मान जाओ। बात करने के लिए धन्यवाद जी।